अब तक आपने देखा नागलोक में कालिया अपने पुत्र पारस की विष्णु भक्ति से क्रोधित हो उसे रसातल में फेंक देता है। कहाँ है मेरा पारस? कहाँ भेज दिया आपने? दंड देते वक्त तनिक दया नहीं आई? कागासुर पर सवार कंस विषैली यमुना में शुद्ध जल को देख चकित हो उठा है और यमुना किनारे बेसुध यशोदा कान्हा के बारे में सोच दुखी हो जाती है। यमुना भीतर सर्प सैनिक कान्हा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, किंतु कान्हा सर्प को पराजित करने दौरान अपनी मैया द्वारा दी अंगूठी खो देते हैं। अब आगे कहाँ गई मेरी अंगूठी? इधर ही तो गिरी थी। क्या हुआ प्रभु? कालिंदी, मेरी अंगूठी यहीं गिरी थी, पता नहीं मिली नहीं रही है। जाने दीजिए ना प्रभु, अंगूठी तो थी, ना मिले तो ना सी, छोड़िए उसे। नहीं नहीं कालिंदी, तुम नहीं जानती उस अंगूठी का महत्व। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, तो जब तक मैं अंगूठी ढूंढता हूँ तुम जाकर नागलोक का द्वार ढूंढो, एक ही समय में दो कार्य हो जाएंगे। तुम जाओ, अंगूठी मिलते ही मैं आ जाऊंगा। मैं जाती हूँ, पर एक बात पूछू? हाँ पूछो। ऐसे क्या विशेषता उस अंगूठी में जो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो? वो केवल अंगूठी ही नहीं, अभी तो मेरी मैया का आशीर्वाद है। मैया कहती है माता पिता का आशीर्वाद संतान के लिए कवच होता है जो बड़े से बड़े संकट से उसकी रक्षा करता है। और कालिया ना, इतना बड़ा संकट उससे मैं बिना अंगूठी के कैसे सामना करूँगा, इसलिए उस अंगूठी का मिलना बहुत आवश्यक है। इसलिए तुम जाओ, कुछ समझी? समझ गई। मैया के प्रति आपकी आदर की भावना आज मेरे साथ साथ सारे संसार ने देख ली, तो जाओ। नारायण नारायण, ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? कान्हा पुनः किसी अन्य लीला में उलझ गए हैं। वे तो गेंद ढूंढने के बहाने यमुना गए थे कालिया नाग का अंत करने, किंतु प्रभु अब वे मैया की दी हुई अंगूठी ढूंढने में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि वे अपने उद्देश्य से भटक गए हों? देव ऋषि, यही तो कान्हा की लीला है कि आप जैसा महाज्ञानी जिन्होंने स्वयं कान्हा के विराट रूप का दर्शन किया है, वह ये भूल गया कि संसार में एक भी पल बिना कारण के नहीं बीतता। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत होता है, जो सही समय और सही स्थान आने पर प्रकट होता है और तब संसार को उस सत्य का दर्शन होता है, उस घटना के कारण का ज्ञान होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आपकी भी है देव ऋषि। नारायण नारायण, सत्य कहा प्रभु आपने, आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। चलो कागज़ शीघ्र करो, नीचे उतारो। उस स्थान को निकट से देखने की अभिलाषा बढ़ रही है। अवश्य प्रभु। क्षमा करे प्रभु, ऐसा बोध हुआ मानो किसी शक्ति ने मुझे पीछे धकेल दिया। पीछे धकेल दिया? भगवान कंस को धकेल दिया? कौन है वो जिसने रोक लगाई भगवान कंस के वाहन के प्रवेश पर? कौन है वो जो नहीं जानता कि भगवान कंस पूरी सृष्टि के अधिपति हैं? पर्वत प्रकृति जल थल मनुष्य मवेशी सबके सब अधीन है मेरे। कहीं इस माया के पीछे वो प्रपंची विष्णु तो नहीं? यदि आज तू हुआ विष्णु तो मैं ऐसी माया रचूंगा कि तू ठगा का ठगा देखता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा भगवान कंस का। चल चल, मेरा तो हाथ ही फंस गया, क्या करूं कैसे निकालूं? इसके अंदर उतर कर मैं अपनी अंगूठी ढूंढ ही लूंगा,
मैया मैं आपकी अंगूठी खोने नहीं दूंगा। नारायण नारायण, कान्हा की ये लीला मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है प्रभु। क्या है उस अंगूठी का भेद और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है प्रभु? ये भेद तो आप तभी जान पाएंगे देवऋषि, जब कान्हा की खोज पूर्ण होगी। किंतु ये प्रथम अवसर नहीं जब अंगूठी धरातल के खांचे में गिरी। ऐसा तो सदियों से होता आ रहा है, किंतु संभवतः अब की बार कुछ विशिष्ट होगा। आप प्रतीक्षा करें। अवश्य प्रभु। नारायण नारायण। इतनी सारी अंगूठियों कर दी, इनमें से मैं अपनी अंगूठी कैसे ढूंढूंगा? यह तो भारी समस्या हो गई, किंतु ढूंढने तो पड़ेगी, नहीं तो बिना अंगूठी के गया तो मैया क्रोधित होगी, पुनः मुझे कक्ष में बंद कर देगी और इस बार तो मुझे निकलने भी नहीं देगी। निडर बालक हो तुम, इस आयु में इतनी निडरता? मैया कहती है जो सत्य के मार्ग पे चलता है उसे भय नहीं लगता। क्या आपको लगता है? कौन हो तुम? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो नन्हे बालक को यहाँ आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपकी शांति भंग करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मैं अपनी मैया की दी हुई अंगूठी ढूंढने आया हूँ। मेरी उंगली से निकलकर यहीं गिर पड़ी है। यहाँ तुम्हारी कोई अंगूठी नहीं गिरी है, चले जाओ यहाँ से। गिरी है, यहीं गिरी है, मैं सत्य कह रहा हूँ। इन अंगूठियों के ढेर में मेरी अंगूठी, जो आप ढूंढने दीजिए। ठहरो बालक, मैं यहाँ का रक्षक हूँ वासुकी। बिना मेरे अनुमति के तुम इन अंगूठियों को छू भी नहीं सकते। यहाँ आ गए वही बहुत है। तो रक्षक काका, मुझे अनुमति दीजिए ना अपनी अंगूठी ढूंढने की। मुझ पर विश्वास कीजिए, पहचान कर फिर मैं अपनी अंगूठी लूंगा, आपकी कोई अंगूठी नहीं लूंगा। मैंने कहा ना, यहाँ तुम्हारी कोई अंगूठी नहीं है। ये सब अंगूठी किसी और की है। किसकी है? एक व्यक्ति इतनी सारी अंगूठियाँ पहनता है? हाँ, केवल एक ही। किंतु जितनी अंगूठियां हैं उनको इनके जैसे 10 लोग भी पहनेंगे तो ये समाप्त नहीं होंगी। क्या सोच रहे हो बालक? ये सोच रहा हूँ कि एक व्यक्ति इतनी सारी अंगूठियां पहन सकता है, कौन हो सकता है वो? मेरे प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम? नारायण नारायण, प्रभु श्री राम की मुद्रिका नागलोक में। किंतु प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम की इस मुद्रिका की रक्षा नागकुल के सर्वश्रेष्ठ नाग वासुकी क्यों कर रहे हैं? इस कथा के पीछे क्या कारण है प्रभु? कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए प्रभु। मैं आपकी व्याकुलता समझ सकता हूँ देवऋषि। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, मेरे जिज्ञासा को शांत कीजिए प्रभु। देवऋषि, संसार में जब जब धर्म की हानि होती तब तब पृथ्वी पर मैं मनुष्य योनि में अवतार लेता, ताकि संसार से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना कर सके। तत्पश्चात इस चक्र के पूरा होते ही मुझे मेरा मानव शरीर त्यागना अनिवार्य होता, किंतु त्रेता युग में जीवन मृत्यु का यह चक्र पूर्ण नहीं हो सका। यमराज को मुझ तक पहुंचने में अति कठिनाई हुई। नारायण नारायण, यमराज को आप तक पहुंचने में कठिनाई हुई, क्यों प्रभु? क्योंकि मेरे और मेरी मृत्यु के बीच मेरा एक परम भक्त पर्वत बनकर खड़ा रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चित्रगुप्त, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ यमदेव, जिस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ, यदि ऐसा हुआ तो ये प्रथम अवसर होगा जब विधि का विधान खंडित होगा। तात्पर्य समझा नहीं मैं। यमदेव, विधि के विधान के अनुसार प्रत्येक प्राणी के जीवन और मृत्यु का समय निर्धारित है। काल चक्र की गति तो अटल सत्य है चित्रगुप्त, जो जन्मा है उसे मरना है, चाहे वह अवतारी देव हो या दानव अथवा मानव। यमदेव के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। यमदेव, प्रभु श्री राम के धरती लोक को छोड़कर आने का समय निकट ही है, किंतु किंतु क्या चित्रगुप्त? राम भक्त हनुमान मेरी चिंता का विषय है प्रभु। हनुमान विधि के विधान से बाहर नहीं है चित्रगुप्त। इस सत्य की विजय कदापि नहीं होगी। जब तक मैं हूँ, मेरे प्रभु श्री राम को इस संसार की कोई भी शक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकती, ना ही शारीरिक और ना ही मानसिक। यमराज को मेरे प्रभु श्री राम तक पहुंचने के लिए मेरा सामना करना होगा। जय श्री राम। काल में द्वंद जय श्री राम के सम्मुख भक्त खड़ा है, देखे विजयी कौन बनेगा, अंजनी सुत महावीर अड़ा है। सुनत नाम काल डर भाजे, राम का है ये खली। सुनत नाम काल डर भाजे, राम का है ये खली। जय हो तेरी जय बजरंग बली, जय हो तेरी जय बजरंग बली, जय हो तेरी जय बजरंग बली। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, इस लोक से आपकी आत्मा के प्रस्थान का समय आ गया है। आपकी उपस्थिति प्रमाण है। किंतु प्रभु, हनुमान की उपस्थिति में मेरा कार्य संभव नहीं है। इन्हें यहाँ से विदा करें प्रभु। हनुमान मेरा भक्त है, मैं विवश हूँ। हनुमान, मार्ग छोड़िए, मुझे श्री राम तक जाने दीजिए। यमराज, तुम्हें मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए मुझे मार्ग से हटाना होगा। हनुमान, मैं समय से बंधा हुआ हूँ। समय से पूर्व मैं किसी के समीप नहीं जा सकता। तो उचित है, यहीं खड़े रहकर मेरे अंत समय की प्रतीक्षा कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हमारे सामने एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कैसी विकट परिस्थिति देवो? विधि के विधान के अनुसार सभी प्राणियों की मृत्यु का समय निश्चित है प्रभु। यदि उस नियत समय में परिवर्तन हो जाए तो सृष्टि के असंतुलित होने का भी संकट है, और आज ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है प्रभु। हम श्री राम के प्राण हर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हनुमान उनकी रक्षा में बैठे हैं। अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए। आपकी समस्या का हल आपके प्रश्न में ही छिपा है देव। ये सत्य है कि जब तक हनुमान राम की रक्षा में है, आप उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते, किंतु छाया भी कभी कभी लुप्त हो जाती है देव। अर्थात प्रभु, हनुमान के समक्ष कोई अन्य प्रयोजन भी तो उपस्थित हो सकता है। जो आज्ञा प्रभु।
जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, मेरे प्रति तुम्हारी ये भक्ति युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। तुम संसार के पहले ऐसे भक्त होगे जिसकी संसार स्वयं पूजा करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है, किंतु विधि का विधान अटल है हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय हनुमान। प्रभु। जी प्रभु, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे मात्र आपके चरणों में स्थान चाहिए, उससे अधिक मेरी कोई चाह नहीं है। प्रभु, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है हनुमान, और सदैव रहेगा। मेरे प्रभु, मेरे श्री राम। हनुमान, मेरी ये इच्छा है कि मेरी ये मुद्रिका, मेरा चिन्ह स्वरूप तुम अपने पास रखो। जी प्रभु। मेरे प्रभु की मुद्रिका चिन्ह स्वरूप मेरे पास रहे, इससे बड़ा सौभाग्य प्रभु मेरा क्या होगा। प्रभु, यह क्या असंख्य मुद्रिकाएं? ऐसे में मैं अपने श्री राम की मुद्रिका को कैसे खोजूंगा? किंतु मुझे अपने प्रभु श्री राम के दिए हुए प्रेम चिन्ह को किसी भी प्रकार खोजना ही होगा। मैं अवश्य खोजूंगा। ये रही मेरे प्रभु की मुद्रिका। मेरे प्रभु श्री राम की एक और मुद्रिका, यह कैसे संभव है? प्रभु श्री राम की ही है श्री हनुमान। किंतु आप कौन है और आपको यह कैसे ज्ञात है कि यह सभी मुद्रिकाएं मेरे प्रभु श्री राम की है? क्योंकि मैं इनका रक्षक वासुकी हूं। युगों से मैं इनकी रक्षा तथा आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी प्रतीक्षा? वो क्यों? ताकि मैं आपको वो सत्य बता सकूं जिसे आप अनविज्ञ हैं। कैसा सत्य? जीवन और मृत्यु का सत्य। श्री हनुमान, संसार नश्वर है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही सनातन सत्य है। सृष्टि का प्रत्येक कालखंड जो कल्पों में विभक्त है, और कल्प युगों में, कल्प के चारों युग इसी सत्य से बंधे हैं। क्षमा करें वासुकी, आपके इस जीवन मृत्यु की कथा का मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिकाओं से कोई संबंध नहीं है। अतः मुझे जाने दीजिए। ठहरिए, बहुत गहरा संबंध है श्री हनुमान। हनुमान, हर युग में जब प्रभु इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो उनकी एक मुद्रिका यहां मेरे पास आ जाती है, और इस युग में श्री राम की मुद्रिका मेरे पास पहुंच चुकी है। हनुमान, अब वो आपसे अपने नए जन्म में मिलेंगे, आपको उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। यही विधि का विधान है। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं वासुकी कि मैं अपने श्री राम प्रभु के दर्शन उनके अंतिम क्षणों में नहीं कर पाया। मेरी किस भूल का दंड मेरे प्रभु राम ने मुझे दिया जो उसके अंतिम दर्शन तक न कर सका वासुकी। यह दंड नहीं है हनुमान, ज्ञान है संसार को कि संसार आवागमन का चक्र है। आप तो भाग्यशाली हैं, प्रभु ने आपको माध्यम चुना इस ज्ञान का, अतः आप दुखी ना हो। प्रभु श्री राम पुनः इस धरती पे आएंगे, क्योंकि आत्मा अमर है
और शरीर नश्वर, जन्म पुनर्जन्म, यही तो जीवन चक्र है। प्रणाम प्रभु। क्षमा करें, सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूं। यमदेव, नियम का पालन सबके लिए अनिवार्य है। संसार के किसी भी प्राणी के लिए नियम का उल्लंघन अपराध है, और आप तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरा आशीर्वाद है। आपके सहयोग एवं विधि के विधान को खंडित होने से बचाने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरे साथ चलने की कृपा करें। यमदेव, मेरी आत्मा को ले जाने के लिए आपको मेरे साथ सरयू नदी तक आना होगा। मैं वहीं जल समाधि में अपने प्राण त्यागूंगा, और वहीं से मेरी अंतिम यात्रा प्रारंभ होगा। जो आज्ञा प्रभु।